हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों के बारे में, और जिनके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, और बैक्टीरिया हमें किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास जो होगी ये होगी किस पर, कि हमें बैक्टीरिया से क्या नुकसान होता है और हमें किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स वो ला सकते हैं, किस तरीके की बीमारियां उनके कारण हो सकती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बैक्टीरियल डिजीजेस पे डिपेंड है, और इसके अंदर बच्चों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस का टाइप जो होता है वो मेनली 5 टाइप के होते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि कोई बीमारी का नाम देगा और फिर पूछेगा कि इस ये बीमारी किसके कारण होती है, ठीक है। तो वो माइक्रोब का नाम पूछेगा, फिर आपको ग्रुप ऑफ डिजीज देगा और उसके अंदर आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग को रोगों का समूह कौन सा है, ठीक है। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपको डिजीज का नाम देगा, फिर आपसे पैथोजन या रोग कारक का नाम पूछेगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा कि संक्रमण का माध्यम क्या होता है, कि कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है, कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। इसके अलावा बच्चों जो नेक्स्ट टाइप बनता है वो पूछता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके लिए किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। और नेक्स्ट और जो टाइप बनता है वो बनता है कि कोई विशेष प्रकार का जो ट्रीटमेंट उसके लिए दिया जाता है रोग के लिए वो कौन सा है, ठीक है। और कभी कभार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि इस डिजीज से किस कौन सा अंग प्रभावित होता है या किस ऑर्गन को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चंस को आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, और आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगी, उस ट्रिक को अगर आपने 2-3 बार अगर पढ़ लिया है तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो डिजीज के लिए बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित रोगों के लिए ट्रिक है वो है टीवी की गोरी सी पंडिताइन, टीका न्यू है। इसके अंदर बच्चों आपको 11 बीमारियों के बारे में पता चलेगा। अगर ये एक लाइन आपको याद है तो आप 11 डिजीजेस के बारे में बता सकते हैं। पहला जो टीवी नाम आपको नजर आ रहा है ये बताता है टीबी को, इससे कनेक्ट करके याद रखेंगे टीबी की, बताएगा कुष्ठ रोग को, कुष्ठ रोग। गौरी से याद रखना है गोनेरिया, गोनोरिया। सी से याद रखेंगे सिफिलिस। पै से पंडिताइन के पै से याद रखना है प्लेग। डी से याद रखना है डिप्थीरिया। टाई से याद रखना है टाइफाइड। का से याद रखेंगे काली खांसी। टी से याद रखना है टिटनेस। न्यू से याद रखना है न्यूमोनिया। ऐसे याद रखना है हेजा। देखो बच्चों ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन, 11 टाइप की डिजीज आपको डायरेक्टली इस ट्रिक से याद हो जाएंगी, ठीक है। और इससे आप कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे, जब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोगों का समूह है, ठीक है। तो वो जो ग्रुप आपको मिलेंगे चार पांच बीमारियों के, जिनमें वायरल डिजीज भी होंगी, जिनमें प्रोटोजोन डिजीज भी होंगी, जिनके अंदर कर्मी से होने वाली बीमारियां भी होंगी, फंगस रिलेटेड डिजीज भी होंगी, उनको आप इजीली निकाल पाएंगे अलग से, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहली है टीबी, इसी को बोला जाता है ट्यूबरक्यूलोसिस, इसी को बच्चों राज
यक्ष्मा, इसी को तपेदिक और इसी को क्षय रोग बोलते हैं। पहली बात तो ये कि इनके जो हिंदी नेम होते हैं ये हमें पता होने चाहिए। हिंदी नेम इतने सारे याद करने होते हैं, इसकी बजाय मैं आपको ये प्रीफर करती हूँ, हमेशा हर क्लास में यही बोलती हूँ कि आप लोग डायरेक्टली क्या कर लो, इंग्लिश वाले याद रख लो, तो फिर आपको इनको अलग अलग से इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, जो फर्स्ट डिजीज है वो क्या है, टीबी। जैसा कि आपने सुन रखा है इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं, क्षय रोग। क्षय का मतलब होता है डैमेज होना, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डैमेज होता होगा। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, क्या याद रखना है, रोग कारक का नाम। तो यहां पर जो रोग कारक या जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, इसका नाम होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। बच्चों जो बैक्टीरियल डिजीज होती है ना, इनके अंदर बहुत इजी हो जाता है आपको नाम रिकॉग्नाइज करना, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्पीसीज नेम होता है वो ही क्या होता है, डिजीज का नेम होता है, ठीक है, तो उससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है इसका जो स्प्रेड मीडियम कौन सा है, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, संक्रमण का माध्यम। तो बच्चों जो पेशेंट होगा, जो टीबी जिसको हो गया है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया है, वो पेशेंट अगर छींकेगा तो उसके छींक के साथ में कुछ ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर आ जाएंगी, कुछ बूंदे हवा में आएंगी। उनसे क्या होगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति उसके आसपास बैठे हैं वो जब ब्रीदिंग करेंगे तो उनके शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएगा और उनको भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या होगा, ड्रॉपलेट्स, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं वायु के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, बूंदों के माध्यम से क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलेगा। इसमें अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो यहां पर बच्चों याद रखना है प्रभावित अंग ये जनरली होते हैं बच्चों लंग्स, जिनको हम बोलते हैं फेफड़े। फेफड़ों के अलावा बच्चों टीबी जो होता है ये ब्रेन में हो सकता है, ये आपके लिम्फ नोड में हो सकता है, इसके अलावा ये बच्चों आपके किडनीज के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टीबी का बैक्टीरिया है ये बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे इफेक्ट डालता है, और जो सर्वाधिक जो प्रभावित अंग होता है वो जनरली क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब बच्चों इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है मोंटेओ टेस्ट, ये नाम आपको याद रखना है। जो इसके लिए परीक्षण किया जाता है मेंटो टेस्ट, ठीक है, ये परीक्षण किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एंटीबॉडी जिनको हम प्रतिजन बोलते हैं वो शरीर के अंदर इंजेक्ट कराई जाती है, त्वचा के अंदर छोड़ी जाती है। जैसे ही छोड़ेंगे तो वहां पर इन्फ्लेमेटेड एरिया निकलता है, मतलब कि सूजन वाला स्थान निकलता है, जैसे मच्छर अगर अपने को काटता है तो फिर बाद में वहां पर कुछ ऐसे उभरा हुआ सा पार्ट बन जाता है, रेडिश कलर का, लाल लाल से रंग का, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में दाफड़ बोलते हैं। तो उसी तरीके का एक दाफड़ जैसा इन्फ्लेमेटेड एरिया व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर की टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है, उसके अंदर वो अगर बड़ा बनेगा तो इसका मतलब क्या है, ये टेस्ट कंफर्म करेगा कि पेशेंट को क्या है, टीबी है, क्लियर। तो इसके अंदर ये मोंटेओ टेस्ट है, प्रतिजन इसके अंदर छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों याद रखना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। जनरली जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है बच्चों, वो लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय तक चलता है, ठीक है। पर यहां पर आपने सुन रखा होगा बीसीजी, बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के लिए छोटे बच्चों को, ठीक है। तो इसका पूरा नाम एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है बेसिलस कैलमेंटे ग्वेरिन, ये इसका पूरा नाम है। इसके अलावा बच्चों एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है डॉक्स, जिसको लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में,
फुल फॉर्म पूछा जाता है। WHO ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसके अंदर रोगी को अंडर सुपरविजन रखा जाता है, उसको एक सुपरविजन करने वाली टीम होती है, वो उसको ट्रीट करती है, उसको देखती है, अपने सुपरविजन के अंदर रखती है, ठीक है। तो इसका नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम है बच्चों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये एज इट इज आपको याद रखना है, इसका कोई हिंदी नहीं है। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स दैट इज डॉट्स। डॉट्स प्रोग्राम किसने बनाया है, किसने चलाया था, WHO ने, ठीक है। नेक्स्ट आपको बच्चों याद रखना है कि जो टीबी है इसके लिए जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है वो है 24th of March। क्या है, वर्ल्ड टीबी डे। और अभी हाल ही के अंदर इंडिया के अंदर इंडियन मिनिस्ट्री ने अभी बताया है कि 2025 तक इंडिया टीबी फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट अपने को याद रखने, 2025 अपना टारगेटेड ईयर है, ठीक है। ये बच्चों टीबी, टीबी के अंदर होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया है ये आपकी बॉडी के अंदर इंटर होगा और इससे आपके आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी और कुछ जुकाम जैसे सिम्टम होंगे। इसके अलावा फीवर होगा, हेडेक होगा, वीकनेस वगैरह, ये सब कॉमन होते हैं। इसीलिए बच्चों लक्षणों पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि लक्षण जो है लगभग बीमारियों के एक जैसे ही होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक चीज होती है उसको लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं लक्षणों को आपको नहीं बता रही हूँ ज्यादा, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं आपको टीबी के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट डिजीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, और एक बात और याद रख लेना, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो बैक्टीरिया होता है ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन क्या होता है बच्चों, जहरीला पदार्थ होता है जो कि हमें बीमार करता है, ठीक है। तो इस टॉक्सिन का नाम क्या है, इस टॉक्सिन का नाम होता है ट्यूबरकुलिन, ट्यूबरकुलिन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, ठीक है। बहुत सिंपल है क्योंकि नाम आपको ट्यूबर दिख रहा है तो आप इजीली इसको कर लोगे। नेक्स्ट जो है ये है बच्चों कुष्ठ रोग। इसी को बोला जाता है लेप्रोसी, और बच्चों इसी का नाम हैंसन डिजीज भी होता है, हैंसन। इसी तरीके से बच्चों टीबी को भी कोच डिजीज भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, कोच डिजीज, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने टीबी के जो बैक्टीरिया है उसकी खोज की थी, ठीक है। इसलिए टीबी को कोच डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, टीबी ने आपको नाम नहीं देगा और कोस्ट डिजीज को लेके नाम दे देगा, तो आपको ये भी नाम साथ में याद रखना है। कुष्ठ रोग को कुष्ठ रोग नहीं देगा, लेप्रोसी नहीं देगा, हैंसन डिजीज दे दे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुष्ठ रोग के अंदर होता क्या है बच्चों, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहले क्या करेगा, इनफेक्ट जो व्यक्ति के अंदर शरीर के अंदर आ गया है तो फिर बाद में उसके शरीर के ऊपर कुछ स्पॉट अकर होंगे, ठीक है, कुछ चकत्ते जैसे बनेंगे, और जो कि सेंसलेस होंगे, जिनके अंदर किसी टाइप का सेंसेशन नहीं होगा, किसी प्रकार की संवेदना नहीं होगी। लगभग ये लाइट कलर के स्पॉट होते हैं जो स्किन के ऊपर होंगे, और ये बैक्टीरिया धीरे 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 स्किन को और टिश्यूज को डैमेज करने लगेगा और लास्ट में परमानेंट ऑर्गन ऑर्गन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए जो बैक्टीरिया है ये है बच्चों माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये होता है और फैलेगा कैसे, डायरेक्टली ये कॉन्टेक्ट से, संपर्क से, या फिर इसके अलावा वही एयर के माध्यम से। एयर के माध्यम से कैसे, वही ड्रॉपलेट वाला सिस्टम, ड्रॉपलेट
ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अगर व्यक्ति जो है जिसके कांटेक्ट में आ रहा है, जिसको कि कुष्ठ रोग है और वो किसी के कांटेक्ट में आ रहा है, उसके बिल्कुल पास में है और वो उससे बातचीत करेगा, तो ये एयर के अंदर ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसके मुंह से निकलने वाली कुछ पानी की बूंदे उनके थ्रू क्या होगा, पास वाले व्यक्ति के अंदर चला जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपने उसको टच कर लिया, कॉन्टेक्ट कर लिया, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको स्प्रेड कौन करेगा, एयर कर लेगी, इसके अलावा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ज्यादा इसके लिए आपको याद रखना है। ठीक, इससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसका नाम होता है बच्चों लेप्रोमी, लेप्रोमीन क्या है, टॉक्सिन है, या जिसको हम बोलते हैं जहरीला पदार्थ। ठीक है, ये लेप्रोसी को क्या करता है, कॉज करता है। लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों, वो डाई एमिनोडाइफेनिल सल्फोन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, डाई एमिनो डाई फेनिल सल्फोन, ये एक ड्रग है जो काम में ली जाती है इसके उपचार में। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। कुष्ठ रोग को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, हैंसन डिजीज भी कहा जाता है, और क्या याद रखना है, इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, इससे जो विष जैसा पदार्थ या जहरीले जैसा पदार्थ जो निकलता है दैट इज लेप्रोमीन, और इसकी जो ड्रग है वो है डाई एमिनोडाइफेनिल सल्फोन। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं, ये हुआ लेप्रोसी। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे है बच्चों, थर्ड और फोर्थ वाले मैं आपको साथ ही बताती हूँ। थर्ड है गोनोरिया, ये होता है बच्चों नाइजेरिया गोनोराई के द्वारा, और जो फोर्थ नंबर वाला दिख रहा है आपको ये है सिफिलिस, जो होता है ट्रेपेनोमा पैलिडम, ट्रेपोनोमा। ठीक है, तो ये दोनों जो रोग हैं बच्चों ये क्या है, एसटीडी है, ये याद रखना। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित यौन रोग या एसटीडी रोग कौन सा है, इसको ही बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर लैंगिक संचरित रोग, संचरित रोग। ये किसको प्रभावित करेगा, गोनाड्स एरिया को प्रभावित करेगा, जननांगों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। दोनों के दोनों क्या है, यौन रोग है, और इनको ही क्या बोला जाता है, एसटीडी। एसटीडी के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित एसटीडी रोग कौन सा है। सेकंड आपसे पूछेगा कि गोनोरिया का जो रोग कारक है उसका नाम बताइए, सिफिलिस का रोग कारक बताइए, इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बच्चों इनके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिफ्थ नंबर पे, दैट इज प्लेग। या इसी को ब्यूबोनिक प्लेग भी बोलते हैं। या इसी को ब्लैक डेथ और काली मौत, ये ऐसे कुछ इसके नाम है, आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, जो जेनोक्सिला केओपिस नाम का चूहा होता है, क्या नाम बताया मैंने, जेनोक्सिला केओपिस, ये एक टाइप का चूहा है बच्चों, और इसका जो एक्सक्रेटा होता है, इसका जो मल होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है,
बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया किसके अंदर प्रेजेंट है? चूहे का जो एक्सक्रेटा होता है, एक्सक्रेटा या मल में, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। और ये क्या होगा, ये कहां से पहुंचेगा? इसके माध्यम से मनुष्य के अंदर ये पहुंच जाएगा। ठीक है, मनुष्य के अंदर किस तरीके से ट्रांसमिट होगा कि ऐसी जगह जहां पर चूहे बहुत ज्यादा हैं और जिनका एक्सक्रेटा वहां पर है, और किसी भी तरीके से उसके हाथ पे टच हुआ और व्यक्ति को पता नहीं चला, उसने उन्हीं हाथों से कुछ खा लिया, उनकी बॉडी के अंदर प्लेग हो जाएगा। ठीक है, प्लेग के लिए बच्चों याद रखना है कि जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा, जिस पे प्रभाव पड़ेगा सर्वाधिक, तो ये कैसे एरिया होंगे, जो जैसे कि आपका आर्मपिट है, जो जैसे एरिया जिनको आप फोल्ड करते हो और फिर अंदर वाला जो हिस्सा आता है, ठीक है, वैसे एरियाज पे इफेक्ट डालता है। और लिम्फ नोड जो होती है, या फिर वहां पर क्या हो जाएगा, गांठे बन जाएंगी, ठीक है, जिनको ब्यूगोज बोला जाता है, और उनके अंदर क्या होगा, फ्यूड होगा जो कि बहुत ज्यादा दर्द करेगा, और व्यक्ति के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन वाली फीलिंग आएगी। इसका जो टेस्ट है बच्चों, वो है वेसन स्टेट टेस्ट। टेस्ट का नाम याद रखना है वेसन स्टेन टेस्ट। ये किया जाता है, ठीक है, व्यक्ति के अंदर क्या होंगी, कुछ गांठे जैसी हो जाएंगी, और जिनका कलर कैसा होगा, पहले तो कैसा होगा, रेड कलर होगा, और वो ही रेड कलर जो है वो टर्न हो जाएगा ब्लैक में, ठीक है, काले रंग में वो जो गांठे जैसी होंगी, जो लंप्स पड़े हैं, वो सारे के सारे लंप क्या हो जाएंगे, ब्लैक कलर के अंदर बदलने लगेंगे, और ब्लैक कलर के अंदर आ गए, उससे फिर व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ बोलते हैं, काली मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको खास बात याद रखनी है कि प्लेग कभी भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलता है, सिर्फ माध्यम जो होगा वो कौन होगा, ये चूहा होगा। क्लियर, तो कैसा नहीं है, इसमें ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक, ये हुआ बच्चों प्लेग। नेक्स्ट जो बीमारी है बच्चों, वो है डिप्थीरिया। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जो बायोलॉजी एरिया होता है उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक होता है। ठीक है, तो हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बता रही हूं आपको, सिक्स नंबर, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है बच्चों, ये कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थेराई के कारण होता है। कॉर्निबैक्टीरियम के कारण होने वाला क्या है, ये एक रोग है जिसके अंदर जो प्रभावित अंग होगा वो आपकी श्वास नली या आपका ट्रेकिया होगा। ठीक है, श्वास नली प्रभावित, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा रोग है जिसमें श्वास नली प्रभावित होती है, श्वास नली को बच्चों ट्रेकिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर होगा क्या, ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये बैक्टीरिया अगर रोगी के अंदर आ गया है तो फिर बाद में क्या होगा, उसको फीवर आएगा, चिल लगेगा, ठंड लग के फीवर आएगा, हेडेक होगा, और उसको गले के अंदर, फिर जो गले को जहां ओपनिंग होती है, गला जिस भाग को हम फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स वाला जो पार्ट है वहां पर क्या होगा, ग्रे कलर की लेयर बन जाएगी, मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, श्वास नली के पास में क्या होगी, ग्रे कलर्ड मेम्ब्रेन बनेगी।
ग्रे कलर की झिल्ली बन जाएगी और फिर व्यक्ति को सांस लेने के अंदर कठिनाई होगी, जिससे कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो सांस लेने में कठिनाई, और तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो दिया जाता है बच्चों को, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, DPT, दैट इज अ वैक्सीन। ये क्या है, एक वैक्सीन है, टीका है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई वैक्सीन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि तीन बीमारियों को ये क्योर करता है, तीन बीमारियों के इलाज के लिए दिया जाता है। ठीक है, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डी का मीनिंग है बच्चों डिप्थीरिया, पी का मतलब है पर्ट्यूसिस, और टी का मतलब है टिटेनस। इन तीन बीमारियों के लिए क्या दिया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है, और डिप्थीरिया के अंदर ये काम में आता है। डिप्थीरिया का जो टेस्ट होता है बच्चों, उसको 6 टेस्ट बोलते हैं। 6 टेस्ट, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, 6 टेस्ट। ठीक है, 6 टेस्ट करके क्या किया जाता है, डिप्थीरिया को कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट के अंदर है कि नहीं। नेक्स्ट बच्चों आपको याद रखना है नंबर 7, टाइफॉइड। टाइफॉइड, इसी को बच्चों आप लोकल लैंग्वेज में बहाव बोलते हो, है ना, या इसी को बोला जाता है बच्चों मियादी बुखार। या फिर इसी को आंतों का ज्वर, ऐसे नाम इसके होते हैं। या फिर इसको ही एंटरिक फीवर भी बोला जाता है, एंटरिक फीवर। एंट्रिक फीवर का मतलब क्या है बच्चों, हमारी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेरोसाइट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको ये प्रभावित करता है, इसीलिए इसको इसको क्या बोला जाता है, एंटेरिक फीवर बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन, जिनको आंत बोलते हैं, इंटेस्टाइन की इंटेरोसाइट सेल्स को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे क्या होगा, रोगी की आंतों के अंदर पोर बन जाते हैं, छिद्र तक बन जाते हैं। ठीक है, आंतों को प्रभावित करेगा, आंतों का बुखार इसे बोला जाता है, बुखार वाली कंडीशन होगी, हेडेक रहेगा और व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और इसका जो स्प्रेड होता है बच्चों, वो क्या होता है, फिको ओरल पाथ होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, फिको ओरल पाथ का मतलब होता है, फिको ओरल, ऐसे समझाते हैं, फिको का मतलब होता है बच्चों मल। ठीक है, किसी का एक्सक्रेटा है और उसको ही हम क्या बोलते हैं, फिको। ओरल का मतलब होता है मुख, या हमारा जिसको ओरल कैविटी बोलते हैं ना, मुख गुहा। ठीक है, तो ये ओरल, और पाथ का मतलब मार। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा पेशेंट जिसके अंदर टाइफॉइड क्या है, टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, वैसा व्यक्ति जिसके अंदर टाइफॉइड है और वो व्यक्ति जैसे अपना एक्सक्रेटा कहीं भी उसने रिलीज कर दिया और वहां पर कोई मक्खी उस पे बैठी और वो मक्खी आके आपके फूड मटेरियल पे बैठ गई, खाने के ऊपर बैठ गई और वो खाना आपने खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ट्रांसमिशन हो गया और इसका संक्रमण जिस व्यक्ति ने उस फूड को खाया है उसमें हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि भाव या फिर टाइफॉइड जैसी बीमारी किसके कारण होती है, कि हम बाहर का फूड खाते हैं या फिर गंदा पानी पीते हैं, तब हमें ये हो जाती है। तो इसका जो मीडियम होगा वो क्या होगा बच्चों, भोजन। किसके माध्यम से फैलेगा, भोजन के माध्यम से। अब यहां पर फैलाने वाला कौन है, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, ये क्या है, माध्यम। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक बात याद रखनी है कि जो
टाइफाइड होता है इसका जो टेस्ट होता है उसको लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक की जो भी टेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफॉइड के लिए किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आंतों का बुखार, ठीक है। अब ये बच्चों इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ। देखो यूएस के अंदर क्या था कि एक लेडी थी जो कि कुक का काम करती थी, ठीक है। उसका नाम था मैरी मेलन, और उसने क्या किया कि लगभग 50 लोगों को संक्रमित किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था, टाइफॉइड हो रखा था, उसको खुद को पता नहीं था, और वो लोगों के घर पे खाना बना के आती थी। हो सकता है उसके नेल्स के अंदर कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, और उसने खाना बनाया और लोगों के फूड के थ्रू वो लोग संक्रमित हो गए, और उससे कुछ लोगों की मृत्यु हुई, इवन उस लेडी की खुद की भी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि केवल मक्खी ही इसको नहीं फैलाती है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, ये हमारे एरिया के अंदर बहुत कॉमन मिलता है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये आपको मिलेगा। तो ये क्या होता है, मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण, ठीक है। इसका हो सकता है, इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, जिनको एंटीबायोटिक आप बोल लेते हो, ठीक है। ये है बच्चों टाइफाइड। नेक्स्ट 8 नंबर पे है बच्चों काली खांसी, जिसको पर्टुसिस बोला जाता है, ब्लैक कफ बोलते हैं। कितने नंबर पे? 8 पे। काली खांसी या इसी को बोलते हैं पर्टुसिस। काली खांसी जो होती है बच्चों ये किसके कारण होती है? इसके लिए आपने नाम सुन रखा होगा कि बोर्डेटेला पर्टुसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो इसको कॉज करता है। बोर्डेटेला, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना पहली बात। फिर होता क्या है इसके अंदर बच्चों, जैसे कि इसका संक्रमण हो गया, संक्रमण कैसे होगा? वही ओरल पाथ होगा, मतलब कि व्यक्ति जिसको कि ये बैक्टीरिया किसी भी तरीके से उसकी बॉडी के अंदर आया है, और वो व्यक्ति अगर छींकता है, खांसता है, तो एयर के अंदर, ड्रॉपलेट्स के अंदर ये स्प्रेड हो जाएगा, और फिर जो आसपास जो व्यक्ति उसके होगा वो जैसे ही सांस लेगा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो इसका जो माध्यम होगा वही होगा एयर, और एयर में भी क्या, ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उससे ये हो जाता है। एयर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से बच्चों ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, और इसमें बच्चों आपको खास बात याद रखनी है कि होगा कैसा, सिम्टम होंगे कुछ जुकाम जैसे, कोल्ड जैसे, वॉटरी आईज होंगी और रनी नोज होगा, ठीक है। इसके अलावा जब खांसी आने लगती है ना, वो खांसी इतनी कंटिन्यूअस रहती है कि वो प्लैंक वो जैसी आवाज आने लगती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ बोलते हैं, वूपिंग कफ। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों लगातार खांसी आ रही है, लगातार खांसी आ रही है, तो व्यक्ति को बीच में सांस भी तो लेना होगा, तो उसका इनहेलेशन भी उसी टाइम पे होगा, उसके कारण इस तरीके का एक अलग टाइप का साउंड आएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ बोलते हैं। और अब इसमें होता क्या है, देखो काली खांसी का मतलब क्या है, काली क्यों बोला इसको समझो, कि लगातार खांसी आने से, लगातार खांसी आएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि व्यक्ति सांस कब लेगा, ऑक्सीजन की कमी हुई तो उससे क्या होगा, व्यक्ति का रंग नीला पड़ने लगेगा, जिसको बोला जाता है साइनोसिस। कलर कैसा हो गया, ब्लू, ब्लूइश ब्लैक कलर का व्यक्ति नजर आने लगता है खांसी के चलते, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक कफ या काली खांसी।
उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। इसके लिए इलाज क्या है? वही जो डीपीटी का टीका है, डीपीटी जिसके अंदर डी का मतलब है डिप्थीरिया, ठीक है, ये व्यक्ति को दिया जाता है। और उससे क्या होगा, अगर पहले किसी ने टीका लगवा रखा है तो उसको ये होगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर भी किसी ने नहीं लगवा रखा था तो उसको एंटीबायोटिक्स उसका ट्रीटमेंट चलता है, क्लियर। इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट है वो है नंबर 9, टिटनेस। इसको बच्चों लॉक जॉ भी बोला जाता है, या इसको हिंदी में कुछ धनुष टंकार ऐसा नाम भी यूज करते हैं। टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस बैक्टीरिया के कारण यह होता है। और ये बैक्टीरिया होता कहां पर है? देखो बच्चों, आपने सुना होगा कि कहीं भी आपको चोट लग जाती है जिसमें कि ब्लड आने लगता है, और इस तरीके का कोई भी वाउंड जिसमें हो जाए, ऐसी कोई भी चोट लगती है, तो आप लोगों को टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने के लिए रिकमेंड करता है हर कोई, ठीक है। इसका रीजन क्या है बच्चों? जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, उनका एक्सक्रीटा उनके अंदर के प्रेजेंट होता है, उनकी आंतों में पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया है। किसके अंदर? हॉर्स में। हॉर्स की किसमें है? इंटेस्टाइन में। अब हॉर्स ने क्या किया? एक्सक्रीट किया। इसका जो एक्सक्रेटा है, मल है, वो कहां पहुंच जाता है? सॉइल में पहुंच जाता है, ठीक है। सॉइल के अंदर इसके जो स्पोर्स होते हैं, इसके जो छोटे छोटे बीज समझ लो, ठीक है, जिनसे कि ये बनने वाला है, वो स्पोर्स क्या होते हैं, ये रिलीज कर दिए जाते हैं, ये यहां पर रहते हैं। और ये बच्चों 50-60 ईयर्स तक भी क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। मतलब ये कि सॉइल के अंदर अगर हमें कहीं भी चोट लगी है, सॉइल हर जगह पे है, ठीक है, और कहीं भी चोट लगी है तो सॉइल का कोई ना कोई पार्टिकल वहां पर आया होगा, हो सकता है उसके अंदर कोई स्पोर हो, और जो हो सकता है कि कोई बहुत टाइम पहले वहां से कोई घोड़ा निकला हो, ठीक है, तो वहां पर उसका कोई स्पोर हो सकता है और वो अलाइव हो जाए आपकी बॉडी में आते ही, ठीक है। बॉडी के अंदर इंटर होते ही एक फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल वातावरण उसको मिले और वो क्या कर दे, आपको इन्फेक्टेड कर दे। इसीलिए बच्चों इसके लिए जो क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वो क्या है? ATS। इसका नाम होता है एंटी टिटनस सीरम, ठीक है। ये आपको इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक। ये स्पोर क्या हुए? बॉडी के अंदर आ जाते हैं। किसके थ्रू? वाउंड के थ्रू, वाउंड या चोट के थ्रू, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों टिटनेस समझ में आया होगा। टिटनेस के अंदर क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी किसके अंदर है? सॉइल के अंदर। सॉइल से क्या हुआ, व्यक्ति को चोट लगी और उस चोट के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, और इसके लिए टीका दिया जाता है, जब वैक्सीन लगाया, सॉरी इंजेक्शन लगाया जाता है, वो है ATS, ठीक है। ये टीका आपको लगा दिया जाता है, अगेन टीका सॉरी, ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो टिटनेस होता है, इसको हम क्यों बोलते हैं कि लॉक जो या फिर धनुष टंकार? इसके अंदर क्या होगा कि मांसपेशियों के अंदर खिंचाव, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ऐंठन होगी और उससे व्यक्ति कुछ निगल भी नहीं पाएगा, ठीक है, नहीं निकलेगा, और उससे इसके कारण क्या होगा, व्यक्ति को पानी पीने में भी इवन कठिनाई महसूस होगी और व्यक्ति के अंदर हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। जब भी नाम दिखता है बच्चों फोबिया, ये बताता है डर को या भय को। जब भी नाम दिखता है हाइड्रो, ये बताता है जल को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, जल से डर लगता है, इसीलिए इसको जल भीति या हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों नंबर 10 पे याद रखना है न्यूमोनिया।
न्यूमोनिया, बच्चों किससे प्रभावित होते हैं? फेफड़े। ये किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के कारण, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इनके कारण होता है। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं बैक्टीरिया के नेम। इसमें होगा क्या बच्चों, देखो जैसे ही कोई व्यक्ति है जिसको न्यूमोनिया है और वो यही ड्रॉपलेट या एयर इसका माध्यम होगा और उसने अगर छींका है तो फिर दूसरे व्यक्ति के पास में ये एयर के थ्रू पहुंच जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा लंग्स होते हैं बच्चों उनके अंदर एल्वियोलाइज होती हैं, इस तरीके से क्या होती हैं, वायु कुपिकाएं होती हैं, वायु कुपिका या एल्वियोलाइज जिनको बोला जाता है। इनके अंदर वायु भरी हुई होती है। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो एयर इसके अंदर जाती है और एयर वहां पर क्या की जाती है, फिल की जाती है और वहां पर वो एक ऐसा समझ लो कि एक ऐसी जगह है गुब्बारे जैसी जो कि एयर को आने जाने के लिए स्पेस देती है। ठीक है, जहां पर भरती है, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। ये हमारे फेफड़ों के अंदर लाखों की संख्या में मौजूद होती है। ठीक है, अब हवा जब आएगी तो ये क्या होंगी, फूल जाएंगी। ठीक, पर जब न्यूमोनिया किसी को हो गया है तो उसके फेफड़ों के अंदर क्या होगा, लिम्फ या फिर म्यूकस जैसा पदार्थ जाके यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति के अंदर एल्वियोलाई या वायु कुपिकाओं के अंदर द्रव भर जाएगा, अब ये खाली नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इसमें द्रव या फिर जिसको आप बोल सकते हो लिम्फ या फिर म्यूकस, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, ये जाके यहां पर भरने लग जाएगा। ठीक है, ये भर गया तो अब एयर के लिए जगह नहीं बची, एयर के लिए जगह नहीं बची तो सांस लेने के अंदर कठिनाई आने लग जाएगी। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई आएगी और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमोनिया। अफेक्ट किसको कर रहा है, किसको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके फेफड़ों को। कई बार ये इतना ज्यादा हो जाता है कि फेफड़े का एक हिस्सा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हटाना भी पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबोक्टोमी, लेबोक्टोमी। यहां पर क्या किया जाता है, एक लोब को, ठीक है, लोबोक्टोमी बोल दो चाहे लोबोक्टोमी बोल दो, एक जो लोब है फेफड़े का जो एक हिस्सा है इसको टोमी जो नाम आता है, इसका मतलब होता है कि काटना, तो उस हिस्से को क्या कर दिया जाता है, सर्जरी के थ्रू हटा दिया जाता है। ठीक है, न्यूमेक्टोमी भी इसको बोल सकते हैं और लोबेक्टोमी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, न्यूमोनिया के अंदर ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट वही एंटीबायोटिक ड्रग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको याद रखना है, टिटनेस के लिए ट्रीटमेंट, एक तो आपको एटीएस बताया था, इसके अलावा बच्चों टिटनेस में याद रखना है जो आपका डीपीटी का टीका है वो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 और जो लास्ट है आज की क्लास का, ये है हेजा या इसी को बोलते हैं कोलेरा। ये होता है विब्रियो कोलेरी के कारण, विब्रियो कोलेरी, ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण क्या होगा, विब्रियो जब भी नाम आता है तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कोमा शेप बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हेजा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका रोग माध्यम क्या होगा, घरेलू मक्खी होगी, वही एनिमल का जो एक्सक्रेटरा होगा जिसको की प्रॉब्लम हुई है और उससे मक्खी ने क्या किया, उसको उठाया और फिर फूड मटेरियल पे रख दिया, इसीलिए बाहर का जो खाना खाते हैं उन लोगों को होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम क्या होंगे इसके अंदर बच्चों, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के होने से क्या होगा, डायरिया और हम इसको क्या बोल सकते हैं, वॉमिटिंग, और इन दोनों के होने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन। अभी आपको बताया था जहां भी हाइड्रेशन, हाइड्रो नाम दिखता है वो बताता है जल को और डी का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल की कमी, निर्जलीकरण।
निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है, व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, तो इसको ठीक किया जाता है बच्चों ORS का घोल पिलाया जाता है ऐसे व्यक्तियों को। ORS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है जो क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन, री का मतलब दोबारा, हाइड्रेशन का मतलब जल, जो जल की कमी हुई थी उसको क्या कर दिया, दोबारा रिकवर कर दिया। ओरल का मतलब मुंह से, ठीक है, ऐसे कोई सॉल्यूशन, ऐसा कोई विलयन पिलाया गया जिससे कि क्या हुआ कि आपके बॉडी के अंदर जो जल की कमी थी वो वापस ठीक हो गई, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है और इसके लिए वैक्सीन भी दिया जाता है, हेजा का वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है बच्चों। ये बैक्टीरियल डिजीजेस हम लोगों ने पढ़ी है और इनके अंदर बच्चों जो मैंने आपको बताया है यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन मेन है बच्चों वो ट्यूबरकुलोसिस है, ये याद रखना है, टिटनेस है, टिटनेस को याद रखना है, ठीक है। मैं और इसके अलावा जो टाइफॉइड है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, क्लियर। STD डिजीज का नाम याद रखना है, ट्रिक याद रख लोगे सारे के सारे क्वेश्चन कराओगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मैक्सिमम शेयर कीजिए और मैक्सिमम लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।